अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं ना शहर के महकमे की सेहत की बिलखुसूस, तो हमें बहुत सारे मामलात दिखाई देते हैं और आजकल एहतजाज शुरू हो चुके हैं और एहतजाज करने वाले जो हैं वो नर्सिंग स्टाफ हैं और नर्सिंग स्टाफ इंतहाई अहमियत का हामिल वो किरदार अदा कर रहे होते हैं जो डॉक्टर्स और के साथ साथ जो है वो दीगर मामलात में मरीज़ और हस्पताल के अंदर की अहमियत के हामिल होते हैं, मगर वो एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जिन हस्पताल के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर जो है शाहीन सिद्दीकी, वो साथ मौजूद हैं। शाहीन, क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये लोग और आज एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया? जी अली रजा, असल में ये जो 90 डेज वाले हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था, जिसमें नर्सिंग भी स्टाफ शामिल था और दीगर स्टाफ शामिल था, जिसमें कोरोना के हवाले से जो है वो स्टाफ रखा गया था, महकमा सेहत ने कॉन्ट्रैक्ट पे 90 डेज के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था और उसके बाद उनको एक्सटेंड किया क्योंकि कोरोना की वैक्सीन पूरे मुल्क में जो है वो लगाना थी और पूरे सूबे में जो है जाहिर बात है वो पहले जो है वो बूढ़े लोगों में लगाई गई, फिर उसके बाद नौजवानों में और फिर बच्चों में भी वो वैक्सीन लगाई गई। तो ये इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज के बाद एक्सटेंड होता रहा और एक्सटेंड होते होते जो है वो तकरीबन 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद उनको ये कहा गया कि अब कोरोना मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान से खत्म हो चुका है, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन ये भी एक दफा महकमा सेहत ने कहा कि इनको जो है तमाम जो नर्सिंग स्टाफ खासतौर पर है उनको जो है वो वार्ड्स में जो कमी थी, खासतौर पर जिना अस्पताल में एक बड़े स्टाफ की कमी थी का सामना था, क्योंकि अभी तक ताहाल जो है ये अभी तो सिंध गवर्नमेंट के तहत चल रहा है और बजट भी सिंध गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन ये एक तनाजा था कि वफाकी हुकूमत के तहत चलेगा या सिंध हुकूमत के तहत चलेगा। ये सिलसिला काफी अरसे जारी रहा और जारी रहने के बाद ये इसमें अमले की शदीद कमी हुई, क्योंकि ना ही हायरिंग की जा रही थी, वहां पर मुलाजमी रखे जा रहे थे और ना ही अपग्रेड मतलब ग्रेड किसी का बढ़ाया जा रहा था। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान था और कई साल ये जो है वो कशमकश चलती रही। उसके बाद इस स्टाफ को जो है वो जिना अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए, खास तौर पे अगर हम बात करें वार्ड्स की, वार्ड्स में क्योंकि शदीद कमी थी। तो एहतजाज आप ये क्यों कर रहे हैं शाहीन साहिबा? देखिए, एहतजाज का जहां तक सिलसिला है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा और खासतौर पर जो अमला सिंध गवर्नमेंट के बाद देने के बाद, सिंध गवर्नमेंट के तहत चलने के बाद जिला अस्पताल में जो अमला रखा जाएगा उस अमले में ये जो नर्सिंग स्टाफ है ये शामिल होगा और इसको ही तरजीह दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ अमला रखा भी गया और कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा गया और मुस्तकिल तौर पे भी रखा गया, लेकिन इनको ताहाल तरजीह नहीं दी गई। ये तकरीबन 1300 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है जिस पर मुश्तमिल है ये और आज बड़ी तादाद में तकरीबन 150 से 200 के करीब नर्सिंग स्टाफ ने जिला अस्पताल में एडमिट ब्लॉक में एहतजाज किया और 9 माह हो चुके हैं इनको जिला अस्पताल में काम करते और इनको तनख्वाहें नहीं मिली, तनख्वाहों के काम करवा रहे हैं। देखिए, बात ये थी कि हुकूमत सिंध ने यह कहा था कि टेस्ट होगा और उसके बाद प्रोसेस होगा और इनको ताहाल तनख्वाहें मिल रही थी, लेकिन 9 माह से अभी तक इनको तनख्वाहें मिली नहीं मिली है। हमारी डायरेक्टर से बात हुई थी, उनका कहना ये था कि क्योंकि महकमा सेहत सिंध ने इनको लेटर जारी कर दिए थे कि अब आप काम ना करें, लेकिन अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं और तनख्वाहें क्योंकि महकमे की जानिब से तनख्वाहें नहीं आ रही तो जिना अस्पताल अपनी तरफ से कोई तनख्वाह नहीं दे सकता। ये एक बात हमारी आज हुई थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, उनका ये कहना यही था कि अगर महकमा सेहत इनको तनख्वाहें जारी करे तो हमें कोई मतलब ये कि मुजायका नहीं है इसमें कि इनको तनख्वाहें दे दी जाए, लेकिन जाहिर सी बात है महकमे ने ही तनख्वाहें वहां से बंद कर दी तो अस्पताल क्या करेगा, क्योंकि ये काम कर रहे हैं मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया शाहीन तफसीलात से जो है वो आगाह करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, मैं चाहूँगा कि जो कंसर्न लोग हैं जो एहतजाज चाह रहे हैं, ये एक ऐसा तबका है ना कि मतलब बात इसके ऊपर हो रही है कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट इन सेंस के नर्सिंग स्टाफ है और 9 माह से ये चीज़ सामने आ रही है कि तनख्वाह नहीं दे रहे और जितना हमारी रिपोर्टर बता रही हैं कि जी ये खुद से काम कर रहे थे और क्या मामला था, इसी तमाम चीज़ों के ऊपर जो एहतजाज करने के लिए निकले थे उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हम चाहेंगे कि स्टाफ मेंबर हैं नर्सिंग स्टाफ बिलाल शेख, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि देखें ना इसके ऊपर क्यों मामला है, क्योंकि देखें डॉक्टर
अपना काम किरदार अदा कर रहे होते हैं, और भी कुछ इशूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो बात हो रही होती है, और बात होती दिखाई दे रही होती है कि बहुत सारे लोग आते हैं। एक तरफ इन सरकारी अस्पतालों में जो सबसे बड़ा मसला वो है कि इधर बहुत ज़्यादा मरीज़ों का जो है वो आते हैं और उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टाफ है वो एक महदूद है, और जो मरीज़ आ रहे हैं उनके साथ जो लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट और दीगर लोग आ रहे हैं इलाज मुआलजे के लिए, यकीनी तौर पर वो एक अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि स्टाफ कहीं ना कहीं कम है। इसके ऊपर हम तफसीली इसलिए जानना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि कम से कम ये जो नर्सिंग स्टाफ एहतजाज पे निकला है वो क्यों निकला है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल शेख। मुझे बताइएगा, आप लोग क्या खुद से काम कर रहे थे, महकमे सेहत ने तनख्वाही नहीं दी, क्या मामला क्या है, आज क्यों एहतजाज पे निकले? सर, एहतजाज की वजह ये थी कि हमें 9 महीने से सिंध गवर्नमेंट ने तनख्वाह नहीं दी गई, जबकि हम भर्ती हुए थे यहाँ पे 2021 के जनवरी में। तो हर मरतबा ऐसा होता है कि हमारी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल 6 महीने 8 महीने बाद आती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 9 महीने नहीं हो बताया गए। जा रहा है। इससे कबल हमारी रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। उनका कहना है कि जो है महकमे सेहत ने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुनकता कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप लोग खुद से ही जो है ड्यूटीज़ पे ज्वाइनिंग दे रखे हैं, तो वो तनख्वाह क्यों नहीं देंगे? सर, ऐसा हमें कोई रिलीजिंग ऑर्डर नहीं मिला कि हम मतलब ड्यूटी से अपनी लेफ्ट कर जाएं, और हमें जीपीएमसी के डायरेक्टर साहब ने कहा था कि आप लोग ड्यूटी कंटिन्यूज करें, आगे से जो लेटर है वो मिल जाएगा आप लोगों को। हमने बात भी करी कि सर हमें लेटर दीजिए ताकि हम ड्यूटी कंटिन्यू करें, हमारे पास तो एविडेंस तो मौजूद हो, लेकिन हमें एविडेंस नहीं दिया गया। डायरेक्टर साहब जब कहते थे कि आप ड्यूटी कंटिन्यू करें तो हम ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे थे अपनी। तो एहतजाज के दौरान आज आपकी बात हुई होगी, तो क्या कहा मुतालिका इंतजामिया ने? दो दिन पहले हमारी डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, हमने बोला सर सैलरी जो है हमारी रिलीज कराएं, 9 महीने हो गए हैं, इस महंगाई के दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ड्यूटी पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट का लेटर भी नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ आगे से आपको बताता हूँ। तो डायरेक्टर साहब ने आगे से फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सेक्रेटरी हेल्थ तो ये ने बिल्कुल माना। 9 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, फिर भी काम किए जा रहे हैं, मतलब महंगाई है, और उसके बाद ये तसलसल रखना मुश्किल नहीं हो रहा? मतलब ऐसा मुमकिन सर है बहुत कि ज़्यादा मुश्किल अब हो जो रहा है है। वो मतलब तनख्वाह अगर बोल दिया जाए कि जी मिलेंगे ही नहीं, तो फिर सर बिल्कुल यही तो रिस्पांस मिला है हमें डायरेक्टर की तरफ से कि जी मैं तो आपके हक में हूँ देने के, लेकिन आगे से फाइनेंस डिपार्टमेंट से एग्री नहीं कर रहे कि वो आप लोग भी सैलरी रिलीज करें। वो जब सैलरी रिलीज करेंगे तो मैं आपको सैलरी दूंगा। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जी इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे हम। अच्छा तो ये भी बता दीजिएगा टोटल तादाद क्यों है, क्योंकि बताया जा रहा है 1300 है, फिर आप लोग चंद लोग एहतजाज पे गए, मतलब टोटल कितने लोग हैं जो इस सैलरी के सर मामलात जी में जो हैं वो शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल, सिंध के जो लोग हैं वो 1300 लोग हैं जो 89 डेज में भर्ती किए गए थे, और जीपीएमसी के जो सिर्फ लोग हैं वो 163 लोग हैं हम लोग, तो जिसमें सब सारी कैटेगरी आती हैं, स्टाफ नर्स तो ड्राइवर बिलाल कंप्यूटर बिलाल शेख ऑपरेटर। साहब, तो सबको ही तनख्वाह नहीं मिल रही या सिर्फ आप चंद लोगों को मिल नहीं रही तनख्वाह? नहीं, सर सबको नहीं मिल रही है, 1300 मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही, और वो अभी भी कुछ लोग तमाम दीगर अस्पतालों में जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी से भी, हमारी रिपोर्टर ने जो है वो राब्ते किया था और उनसे भी मौक़िफ़ लिया था, वो ये बयान दे रहे हैं। दूसरा मौक़िफ़ हमने इनका भी सुना दिया, रिपोर्टर की भी बात सुना दी, और हम ये चाहेंगे कि देखा जाए जो सरकारी अस्पताल हैं कम से कम उधर जो भी मामलात इस तरह के सामने आ रहे हैं कोशिश की जाए, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनको देखना होता है। नाज़रीन तो ये एक इशू था, हमने कहा ये डिस्कस किया जाए। जिला अस्पताल में लोग मतलब मुतवस्सित तबके से भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, गरीब भी आ रहे होते हैं, और बहुत बड़ी तादाद आप जाएँ तो एक लाइन पर लाइन लगी होती है, तो इसके ऊपर ये मसला है। शहर का सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, इसके ऊपर देखना चाहिए। हम नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसी शहर से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे कि क्यों शहर जो है वो इतना आलूदा हो रहा है और वो किस सतह तक पहुंच गया है, किस फहरिस्त तक पहुंच गया, इसके ऊपर बात करेंगे।